व्लॉग, आई एम युकेश टेक्स। आज की वीडियो में हम गाइस काइट मार्केट जाने वाले हैं। और ये पहले तो इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अपने जितने भी भाई हैं ना, सब पतंग उड़ाते और सब घर के आसपास से लेते, महंगी पड़ती है, जाहिर सी बात है। चाहे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कितने भी पड़े, महंगी पड़ती है। तो उस चीज़ का सोल्यूशन है, सीधा काइट मार्केट जाओ, वहाँ से खरीदो। और मैंने किसी बंदे से बात नहीं कर रखी है, मैं सीधा काइट मार्केट जाऊँगा, लाल कुआं चांदनी चौक में, उस गली में जाके, बस काइट मार्केट वाली गली है वो दुकान है। तो मैं दुकानों में जाऊँगा, तो सारी बातें करूँगा कि कितने की पतंग है, कितने की नहीं है, तो वो सब आप देखते रहना। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि यार थोड़ा वीडियो करा करो यार, लाइक और क्या कहूँ तुमसे मैं, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। लाइक करते नहीं हो, वीडियो देखते हो, ठीक है? और अगर आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो अब वीडियो को देखना। और अब मैंने सोचा कि मैं चैनल पे रोज रहूँगा, मतलब रेगुलर 1-2 दिन के अंदर व्लॉग्स आते रहेंगे मेरे, और अच्छे। और आपको पता है मैं चैलेंज भी करा करूँगा, अच्छे चैलेंज जो मतलब ट्रेंडिंग चल रहे चैलेंज, वो चैलेंज हम भी करके देखेंगे। मैं अपनी फैमिली के साथ करूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगा, आप लोगों के साथ करूँगा, ठीक है? अगर जैसे अगर कोई देख रहा है, मैं बाहर जाके किसी के साथ भी वो चैलेंज कर सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें इतने अच्छे अच्छे चैलेंज देखने हैं, मैंने सब कुछ सोच रखा है। तो गाइस हम चलते हैं पहले वहाँ पर, और वहाँ पर देखेंगे कि कितने की काइट होगी, कैसा मांजा होगा, सब कुछ काइट्स के बारे में पूरी हिस्ट्री जान लेंगे, पूरा सब कुछ जान के आएंगे, ठीक है गाइस? तो चलते हैं गाइस। अब मेरे साथ एक पिक्चर हो चुकी है, मुझे कैब नहीं मिल रही है, बहुत देर हो गई कैब ढूंढते हुए। सॉरी, रोड का साउंड आ रहा है, इसको गौर मत करना। कैब नहीं मिल रही मुझे, इतनी धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, और बारिश का सही मौसम हो रहा है, गर्मी, दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए मैंने ऊबर पर चेक करी तो कैब नहीं हो रही थी। तो अब मैंने बाइक करी है, मेरी बाइक M2K की साइड है, तो मुझे थोड़ा खड़ा होना पड़ रहा है, बस गर्मी कुछ ज़्यादा ही है गाइस। देखो मैं इस वक्त रोड पे खड़ा हुआ था एकदम, रोड पे इतनी गर्मी में, बारिश का मौसम हो रहा है। तो चलो वेट करते हैं हम कि क्या होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कैब कब तक आएगी। तो गाइस ये दुकान है, हमारे अंकल है। गाइस ये देखो, ये पूरे मतलब हर बार के सामान है इनके, इस बार एक बार और आ गए हैं। देखो और पतंगों का कुछ मतलब ख़त्म हो नहीं सकती, इतनी पतंगें हैं। अब बोल भाई अपना नाम बता। अच्छा तो भाई पतंगे वतंगे दिखाओ आप। ये 80 रुपये भाई के हाथ में है, जो 80 रुपये में कितने आएंगे भाई? 100 पतंगे आएंगे गाइस। तो ये 120 रुपये की 100। तो मतलब भाई सबसे महंगी पतंग कौन सी है आपकी पूरी दुकान की? सबसे महंगी बड़ी से बड़ी साइज की आएगी, मतलब सबसे ज़्यादा लास्ट सबसे ज़्यादा होगा जिसका रेट पर्सनल जो भी सबसे अच्छी हो। तो बड़ी आती है 15 रुपये की एक पतंग, एक पीस पर पीस 15 रुपये का, उसका पूरा सेट 1500 रुपये का आता होलसेल में। अच्छा केविन मान जी की 200 रुपये की। अच्छा बताओ, केविन मान जी की 300 रुपये की, 250 का 100 है ये, 250 की 100 है। अच्छा 5 रुपये का पतंग आता है। पहले दुकान का नाम बताओ अंकल। हाजी सलाम भाई पतंग वाले। अच्छा तो मतलब सबसे महंगी पतंग कौन सी आपकी दुकान की? सबसे महंगी पतंग आई है आपके पतंग। देख सो गाइस, देखो कितनी बड़ी पतंग है, देखो उन भाई से बड़ी पतंग है। इनसे बड़ी मिलेगी आपको, देखो कितनी बड़ी है अंकल, एक बार ऐसे करके दिखा दो पूरी, बहुत बड़ी पतंग है। अगर फोन कैमरे से पता नहीं चल रहा, लेकिन आंखों से देखोगे ना तो बहुत बड़ी है। और दिखा दो, देखो गाइस ये दूसरे कागज़ की है। कितना रेट होगा अंकल इसका? हैं 20 रुपये का एक होगा, और अगर 100 चाहिए होंगी तो ठीक है। तो देखो ये भी बहुत बड़ी पतंग है गाइस,
कितने का है अंकल ये? 5 रुपये का है। 5 रुपये का है? अच्छा, फुल साइज वाला। बहुत सही पतंग है, फुल साइज का है। ये उससे छोटा है गाइस, देखो अंतर है, देखो सेम नहीं। ये 3 रुपये का है, इसका 1 3 रुपये का है। पन्नी वाली है, अलग अलग 10 प्रिंट आएगा इसमें। कितने की है? एक एक ही 4 रुपये की पड़ेगी। एक पन्नी वाली 4 रुपये की। देखो कार्टून वाली है, मतलब बच्चे, छोटे बच्चे उड़ाने का। अगर आपकी दुकान उकान है ना तो यहाँ से ले सकते हैं आप। देखो ये अलग है, 5 रुपये की है। ये 5 की है, देखो ये भी। इसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन है बस नीचे, इस वजह से। और ये लेकिन उन वाली से बड़ी है गाइस, जो पहले दिखाई ना उनसे बड़ी है। एक कितने की है? 5 रुपये की है। ओके, कागज़ में स्पेशल पकड़। कितने की है? 10 रुपये की। 10 रुपये की एक है गाइस, अच्छी पतंग है गाइस। तिरंगा भी आया था, देखो ये तिरंगा। ये उस वाले से बड़ा है? उस वाले से बड़ा जो मैंने पहले तिरंगा दिखाया ना, तो जो सबसे बड़ा था उनसे भी बड़ा है ये भी। अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पतंगे और मांझा बहुत है यहाँ पे। अगर पूरे दिन लगाएंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। देखो अगर जैसे किसी के घर में छोटे बच्चे तो वो भी ले सकते हैं। इनके तो पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है ना गाइस, भी लेते हैं। हाँ, और गाइस यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप 1 2 10 पतंगे भी लेना चाहते हो ना तो मिल जाएंगी यहाँ से, मतलब कोई इतनी वो नहीं है। चरखरी की चरखियाँ बता दो। देखो चरखरी अंकल बहुत है गाइस यहाँ पे, देखो स्पेशल मांझा है। कितने का है? कितने की आएगा इसका? एक 350 रुपये का है। 350 रुपये का है पूरा। कितने रील का है? 3 रील। अच्छा, तो ये 3 रील का है गाइस। कितने रुपए का होगा ये? 350 रुपये का होगा। चलो, और किस कंपनी का है? कंपनी नहीं है इसकी, पांडा कंपनी का है गाइस। बहुत से बंदे लेना चाहते हैं पांडा। गाइस और दिखाते हैं, देखो कितना सामान है। सामान का तो एंड ही नहीं है यहाँ पे। ये पांडा में ही 1 रील का है गाइस। देखो 150। अच्छा, 1 रील 1 गज। ये कौन सी कंपनी का? ये भी पांडा है। कौन सी कंपनी का? वर्गमान कंपनी का है गाइस। ये काला मांझा है, देखो। अच्छा, 200 रुपये की 3 रील है। देखो ये कितनी बड़ी है, छोटा साइज भी आता है। ये कितने की आएगी? 250 रुपये का आता है। और ये तो अंतर क्या है? अच्छा, तो बस ये अंतर है कि ये स्पेशल है, बाकी ये भी 3 रील का ही है। ये नॉर्मल मांझा है, ये थोड़ा अच्छा है मांझा। बाकी सब मांझा सारे अच्छे होते हैं। प्लास्टिक वगैरह का तो मांझा नहीं होता होगा अंकल, प्लास्टिक का क्योंकि बंद हो चुका है गाइस। गाइस ये दुकान बहुत अच्छी है, आप मतलब यहाँ पे खरीद सकते हैं, बहुत कुछ है इधर। अगर आप आओ यहाँ पे विजिट करोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सामान है, मतलब यार एक एक करके नहीं दिखा सकते। तो अंकल है यहाँ के ओनर, नॉइस को थोड़ा कन मानना। अंकल जी दुकान का नाम क्या है एक बार और बता दो। सलाम भाई पतंग वाले। सलाम भाई पतंग वाली दुकान का नाम है। तो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ था, मैंने पतंगे भी ली, कहा मेरी पतंग ये रही, मैंने मांझा भी लिया। यहाँ पे वैरायटी बहुत थी, तो मैं आकर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन गूगल मैप्स वाली तक डाल दूंगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है गाइस। मैंने बात, ठीक है तो ये चलो अब चलते हैं। सो गाइस देखो इतनी पतंगे मैं लेके आया था, देखो ये सारा मैंने वहीं से ख़रीदा है। कुछ मतलब मुझे, मैं फ्लो में इतनी पतंग लेता गया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई। देखो दूर से लग रहा है, देखो कितनी कितनी पतंगे हैं। अगर
और मुझे इतना शौक भी नहीं है इस पतंग उड़ाने का। हाँ, जो एक रील वाली चक्री थी मैंने वो भी ली थी, को वो भी दिखाता हूँ। देखो गाइस ये रही वो चक्री, एक रील वाली सेम वही है। मैं पतंग इतनी सारी लेके आ गया, चक्री एक रील की लाया हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, कितनी उड़ा सकता हूँ मैं एक वैसे भी। बस मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि लॉकडाउन का जैसे सारी मार्केटों पे इफेक्ट पड़ा है, तो लॉकडाउन एक तरीके से लॉकडाउन अपडेट है ये मेरी, सारी मार्केटों पे इफेक्ट पड़ा है, तो बस वही चीज़ मैं देखने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ एक सजेशन टिप, कभी जाओ ना चांदनी चौक, अभी आप जाओगे तो आप जब भी जाओ ना फ़ोन अपना मत निकालना, कभी भी अपना फ़ोन मत निकालना बीच मार्केट में जल्दी से, जब तक इमरजेंसी ना हो, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन चोरी होने का या बैग वैग चोरी होने का हर चीज़ का खतरा है वहाँ पर गाइस, बहुत अलग अलग। और आज का दिन तो मेरा कुछ ज़्यादा ही अजीब गया, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।